You gotta move, man. Get up and go. लैंड ऑफ बैड ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अमेजोन प्राइम पर हिंदी में रिलीज हो चुकी है। तो क्या खास है इस फिल्म में, आपको इस फिल्म को अपना टाइम देना भी चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आप इस फिल्म में देखेंगे US आर्मी की डेल्टा फोर्स टीम को एक आईलैंड पर फंसे CIA एजेंट को रेस्क्यू करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहाँ दुश्मन इस डेल्टा टीम पर हमला कर देते हैं। तो फिर ये टीम अपने सर्वाइवल के लिए क्या कुछ करती है, वो सब जानने के लिए आपको देखना इस फिल्म को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा। तो देखो, ये फिल्म खास तौर पर एक मिलिट्री एक्शन थ्रिलर फिल्म है। आप इस फिल्म में देखेंगे कि मिलिट्री अपने सीक्रेट मिशंस को कैसे अंजाम देती है, उनको ग्राउंड लेवल पर किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, और उनका जो कमांड सेंटर होता है वहाँ से उनको किस तरह की सपोर्ट दी जाती है, और अगर उनका कनेक्शन अपने कमांड सेंटर से टूट जाता है तो फिर ऑफिसर्स को कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो फिल्म की कहानी है वो फ्रेश तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डिसेंटली एंगेज कर रखेगी अगर आपको इस तरह की मूवीज देखना पसंद आती है तो। प्लस एक्शन भी फिल्म में अच्छा है, आपको कुछ अच्छे इंटेंस गन फाइट सीन्स इस फिल्म में जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप एक एक्शन लवर हैं तो फिर ये फिल्म आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, ये फिल्म आपका एक अच्छा खासा टाइम पास करवा देगी। बाकी इस फिल्म में आपको रसल ग्रू का जो करेक्टर है वो जरूर पसंद आएगा, और उनके अलावा भी बाकी एक्टर्स का काम फिल्म में अच्छा है, लेकिन करेक्टर्स वर्क फिल्म में सरफेस लेवल तक ही रखा गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कहानी न्यू नहीं है, और कुछ चीजें फिल्म में आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो कन्वेंसिंग फील नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक्शन के लिए फिल्म जरूर देखी जा सकती है अगर आप लोगों को सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर्स देखना पसंद आती है तो। फिर ये फिल्म आपका अच्छा खासा टाइम पास करवा सकती है, और आप चाहो तो ये फिल्म फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन आपको इस फिल्म में ब्लड और वॉयलेंस देखने को मिलेगा और अडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखते हुए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 7/10। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी रिव्यूज देखते रहने के लिए।